नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो या आप पर डिपेंड करता है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और जानना चाहते हो कि इन दिनों आपकी लाइफ कैसे जाने वाला है, आपकी पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी और यूनिवर्स की गाइडेंस, या फिर पास्ट से कोई आ रहा है या नहीं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 23 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं, ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि इन दिनों आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। थ्री ऑफ कप्स, आप बहुत खुश रहोगे। अपना आप जो वक्त है वो आप दोस्तों के साथ बिताओगे। पार्टी देना, पार्टी लेना, हंसी मजाक, थोड़ी पार्टी शार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, जो अपने दिल को सुकून देता है, जिससे आप खुश रहते हो, इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी इन दिनों। इन दिनों आप अपने लिए खुशी तलाश करोगे। अभी देख लेते हैं कि आप पास्ट की आपकी जो एनर्जी थी वो कैसा है, पास्ट में आप कैसे थे। ये तो हो गई आपकी ओवरऑल एनर्जी, देख लेते हैं पास्ट की एनर्जी। पास्ट की आपकी एनर्जी क्या कह रहा है किंग ऑफ कप्स। पास्ट में हो सकता है आप बहुत ज्यादा अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहे थे, पास्ट से आप अपने आप को रोक रहे थे, अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे थे। हो सकता है अगर आपको किसी से प्यार था भी या नहीं भी था, जो भी है ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि खुद को आप सिंगल मानते हो तो ये आप पर डिपेंड करता है कि पास्ट में आपके लाइफ में कोई था भाई था या नहीं था। जो भी था आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे थे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आप एक स्टेबल रिश्ते के बारे में सोच रहे थे। आपके लाइफ में कोई स्टेबल बंदा या बंदी आ जाए इसके बारे में आप सोच रहे थे, इसीलिए हर किसी के साथ खुलना मिलना ये आप सही नहीं समझ रहे थे, और आप चुप रह के हर चीज़ों को ऑब्जर्व करने के मूड में थे पास्ट में। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। एरीज यानी मेष राशि प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। एरीज यानी मेष राशि आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, नाइन ऑफ कप्स, सारे कप्स के कार्ड आ रहा है। अभी इमोशनली आप बहुत हैप्पी महसूस कर रहे हो प्रेजेंट में भी, क्योंकि मुझे लगता है आप अकेले हो। आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूँ तो क्या हुआ, मैं खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है जो इंसान के जिंदा रहने के लिए चाहिए, पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, जो भी जिसके पास जितना भी है वो उससे खुश है। तो अकेले रहने का कोई गम आप में नहीं है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में भी आप खुश हो, पास्ट में भी आप खुश थे, और ओवरऑल जो वक्त मैंने बताया इसमें भी आप खुशी रहोगे, क्योंकि आपका जो इमोशन है वो आपके कंट्रोल में है। और आप, हो सकता है आप जानते हो कि खुद को कैसे खुश रखा जाता है। अभी देख लेते हैं कि अब पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यस, आ सकता है पास्ट से कोई। अगर आप पास्ट में किसी के साथ रिश्ते में थे तो वो बंदा या बंदी जो भी होगा वो दोबारा से आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है। वो एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके लाइफ में आएगा। वो हो सकता है आपको शादी की प्रस्ताव दे दे, या फिर अगर आप पहले से ही शादीशुदा थे लेकिन अभी आप सिंगल हो, अकेले हो, कुछ भी, जो जिस भी तरीके से आप खुद को सिंगल मान रहे हो, तो जो भी आएगा, जो भी बंदा या बंदी आएगी, ये एक स्टेबल रिश्ते के साथ आपके लाइफ में आएगा। लेकिन ऐसी जो रिश्ता आपके लाइफ में आएगा जिसे आप पहले से जानते थे, तो ये जो इंसान है ये खुद की स्टेबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन ये कुछ और लोगों के साथ भी रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकता है। हो सकता है ये लोगों को
वक्त देना, वक्त लेना, इस तरीके से बातचीत करना, मतलब थोड़ी हंसमुख लोगों से मिलना जुलना, हर किसी के साथ घुल मिल जाना, इस तरीके की इंसान है जिसके लाइफ में हो सकता है और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो आपके लाइफ में दोबारा से आ सकता है। अभी देख लेते हैं अगर कोई नया आने की क्या चांसेस है आपकी लाइफ में, कोई नया आ सकता है। देख लेते हैं कोई नया आपके लाइफ में आ सकता है, एरीज यानी मेष राशि। देख लेते हैं कोई नया आपके लाइफ में आ सकता है क्या। टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, नहीं, कंफ्यूजन है। मुझे लगता है एरीज आप पास्ट के एनर्जी में ही अभी तक रुके हुए हो, इसीलिए कोई नया आने की चांसेस भी नहीं है। अगर कोई आता भी है तो भी आप सही तरीके से उसका वेलकम नहीं कर पाओगे, इसीलिए फिलहाल के लिए अगर मैं कहूँ कि नया कोई आ रहा है तो नहीं आ रहा है, क्योंकि आप पास्ट की एनर्जी में ही रुके हुए हो। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एरीज के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है। एरीज, स्ट्रेंथ के कार्ड, ये फायर साइन का ही लियो का ही कार्ड है। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि आपको अपने अंदर पेशेंस रखनी पड़ेगी और हिम्मत रखनी पड़ेगी। जैसे आप खुद को चला रहे हो, चल रहे हो, जिससे जैसे आप जा रहे हो अपने आप को उसी तरीके से आपको ले जाना है। आपको जल्दबाजी नहीं करना है। कोई अगर आपके लाइफ में आता है उसमें अगर ठहराव नहीं है तो आप अपने लाइफ में ठहराव ढूंढिए और पेशेंस रखिए। जैसे आप चल रहे हो, खुद को खुश रखना, दोस्तों से मिलना जुलना, पार्टी शार्टी करना, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको अपने अंदर में वो हिम्मत, वो पेशेंस, ये चीज़ें भी ग्रो करनी पड़ेगी। जिस भी चीज़ से पहले आपको परेशानी थी उस चीज़ को आपको सही तरीके से समझना है और उसको अपने लाइफ से निकाल के फेंकना है, क्योंकि आप जो भी करोगे आपके साथ गॉड की ब्लेसिंग्स होगी। आप में वो काबिलियत है, वो पोटेंशियलिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ जो चीज़ की कमी है वो है पेशेंस की, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।